Hello everyone, this is Vipa Rasher. Welcome to my channel, The Cloud Door. Okay, today the topic that we are going to discuss is a little bit more into social anxiety. सोशल एन्जाइटी पे मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, पहले भी बताया कि सोशल एन्जाइटी क्या होती है, क्यों होती है, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सोशल एन्जाइटी का ही एक एस्पेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. एज यू नो कि सोशल एन्जाइटी मतलब ऐसी सिचुएशन में इंसान एंशियस फील करता है जिसमें वो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है. पब्लिक गैदरिंग्स, कोई मूवी जाना या छोटी सी छोटी चीज़, किसी के साथ डेट पे जाना या पब्लिक स्पीकिंग जहाँ उसको प्रेजेंटेशन देनी होती है, सेमिनार अटेंड करना होता है, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, मैं कैसा लग रहा हूँ, कहीं मैं अपने आप को एम्बैरस ना कर लूँ, वही सब चीज़ें. सो दैट इज़ वॉट सोशल एन्जाइटी इज़. सोशल एन्जाइटी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सोशलाइज करना. बट सोशल एन्जाइटी में जो पेशेंट होता है वो डरता है ऐसी जगह जाने से जहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं या फिर पार्टीज होती हैं, आपको इनविटेशन दिया जाता है, एंड देन यू फील स्केयर कि यू विल मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ, आपको तो कुछ बात ही नहीं करनी आती, अब क्या जाओगे, और एन्जाइटी स्टार्ट हो जाती है. तो अपनी सोशल एन्जाइटी को ऐसी पार्टीज़ में मैनेज कैसे करना है, ये वीडियो उस पर है. हाउ टू मैनेज योर सोशल एन्जाइटी एट द पार्टीज. ओके, ये स्पेशली मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है एंड आप लोगों को भी इन्विटेशंस होंगे कहीं ना कहीं जाने के. सो प्लीज़ सोशल एन्जाइटी को उस रस्ते में मत आने दीजिए. गो आउट, हैव फन एंड ट्राई टू फाइट दिस फियर. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट. ओके, सो देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस. फर्स्ट इज जस्ट बिफोर द पार्टी, जब इन्विटेशन आता है, सबसे पहले एन्जाइटी तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है. ओ इन्विटेशन आ गया, ओ मैं कैसे जाऊंगा, मैं जा पाऊंगा या नहीं, जाऊं या नहीं, पता नहीं क्या होगा, मैं पार्टी में कुछ कर पाऊंगा, किसी से बात कर पाऊंगा. मेजर एन्जाइटी तो इसी समय होती है, बिफोर द पार्टी. तो इस समय आपको बहुत ज़रूरत है कि आप डिस्ट्रैक्टेड रखें अपने आप को. तो सपोज़ दो दिन पहले इन्विटेशन आ गया है, सो यू हैव टू बी डिस्ट्रैक्टेड, यू डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट द पार्टी. अब उसके लिए आप अपने आप को थोड़ा मूड में लाइए, थोड़ा पार्टी म्यूज़िक सुनिए तो थोड़ा अपबीट फील करेंगे. अपने क्लोथ्स डिसाइड करिए कि आप पार्टी में क्या पहनेंगे, सो दैट जब वो दिन आएगा पार्टी का, सो यू आर लेस स्ट्रेस्ड, लेस वरिड एंड लेस एंशियस अबाउट द सिचुएशन एंड द पार्टी. तो डिस्ट्रैक्ट करना है, डोंट लेट योर माइंड गेट एब्जॉर्ब इन द नेगेटिव थाट्स ऑफ वॉट विल हैपन. So you have to focus on the positive aspects and just preparing yourself for the party. Second thing, conversation prompts. अपने पास ऐसे handy थोड़े conversation short talk ऐसे करके आप अपने पास handy रखिए कि जब आप party में जाएँ so you are little prepared. क्योंकि डर लगता है social anxiety में कि strangers से मिलेंगे, oh my god, I'll just freeze, I won't be able to talk or short talk तो कर ही नहीं पाऊँगा. तो ठीक है, उस सिचुएशन के लिए थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड हो सकते हैं. थोड़े से कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स अपने पास रखिए कि अगर आप किसी से मिलेंगे तो आप क्या बात करेंगे, क्या बोल सकते हैं आप, हाउ यू डूइंग एंड मे बी व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू नो द द पर्सन हु इज़ होस्टेड द पार्टी. छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे सेंटेंसेस अपने पास रेडी रखिए, ज़रूरत पड़ने पे यू कैन यूज़ देम. अगर आप चाहते हैं तो मैं एक वीडियो इस पे बना सकती हूँ कि हाउ टू कन्वर्स इन अ पार्टी इफ़ यू आर हैविंग सोशल एन्जाइटी. सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. सो या, तो थोड़ा सा रिहर्स करके जाने में कोई बुराई नहीं है, राइट? ओके, सो द थर्ड थिंग इज, जब आपको पता है कि आप लोगों के बीच एंशियस हो जाते हैं, तो जब पार्टी स्टार्ट होने वाली है, जैसे 8 बजे का टाइम है, लोग 8:30 तक आते हैं, 9 बजे, 8:30, 9 बजे तक, कोशिश करिए कि आप 8 बजे के आसपास, 8:05, 8:10 तक पार्टी में पहुंच जाएं. तो एज सून एज द पार्टी बिगिंस, ट्राई टू बी देयर सो दैट यू आर लेस एंशियस. लोग कम होंगे, इट विल बी अ क्वाइटर प्लेस, आपको थोड़ा टाइम मिलेगा रिलैक्स करने के लिए. जैसे जैसे गेस्ट आएंगे, आप उनसे मिलते जाएंगे, तो आप पहले से ही कम्फर्टेबल हो जाएंगे. और ऐसा नहीं होगा कि आप 8 बजे की पार्टी आप सोचे जा रहे हैं, अब 9:30 पहुँच रहे हैं, पार्टी इज़ इन फुल स्विंग, सब एकदम स्विंग में है, देन इट विल बी अ लॉट मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल, राइट? सो ट्राई टू अराइव अर्ली एट अ पार्टी. नेक्स्ट, यूज़ योर एन्जाइटी कोपिंग टेक्निक्स. तो एन्जाइटी कोपिंग टेक्निक्स के बारे में तो मैं वैसे ही बहुत बात कर चुकी हूँ, आपको पता है.
अपनी मसल्स को कैसे रिलैक्स. इवन इफ यू आर डूइंग अ फुल बॉडी मसल रिलैक्सेशन, जस्ट टेंसिंग योर मसल्स एंड रिलैक्सिंग, नोबडी विल कम टू नो. सो यू कैन यूज इट देयर एंड देन. ऑल्सो सम ग्राउंडिंग टेक्निक्स, 5-4-3-2-1 इफ यू आर फीलिंग लॉस ऑफ कंट्रोल और सडन सर्ज ऑफ एंजाइटी. Or you can maybe, you know, just negate and kind of replace your negative thoughts with more neutral thoughts there and then in your mind. You don't have to talk out loud, right? So use these techniques before the party, in the party, wherever. But it will help you be more in the present moment and enjoy yourself fully. So now the last thing, which is the most important, okay? You can leave at any time you want. The important part is that you show up. तो party से चले जाना एक point के बाद is completely normal, even if it is early. So you can, you should know that you have that control. You it's not like you will lose control and once in the party आप कुछ नहीं कह पाएंगे. Difficult है. People will shame you also and they will try to convince you to stay. But that's only because they like your company. That is why they're asking you to stay, right? So even if that is the case, you can just say thank you for having me here and you can excuse yourself. इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैसा लगेगा, बुरा मान जाएगा. At least you came, you showed up, and you know you are a fighter, so have that proud feeling inside. So it's okay. So you know the two things which are most important is if you cancel your parties, if you cancel these gatherings, it will make your social anxiety worse. So you need to face it head on, okay? And second thing is that saying that you want to leave is perfectly okay and normal. It's okay, it's not a very big deal. Important part again is that you showed up, you were there, you enjoyed, instead of just cancelling the whole thing, okay? And some other thought is that they invited you because they like you. So how it is in social anxiety that it makes you feel that you're worthless, you're good for nothing, you cannot give company to people. If that was the case, you wouldn't be invited, right? So because you're super awesome, that is the reason that you're invited in the party, you're there, right? So have that confidence. They have invited you. So that means something. That means you bring something to the party, okay? So what is important is that you show up for the party, you go there, you enjoy, you, and even if it is for a shorter period and you're not able to manage the whole party, it's okay. Just that confidence will help you maybe next time be better prepared for these parties and these encounters and help you ease your social anxiety gradually, okay? So yeah, I hope it helps and you have a great, great, great New Year party and go for it and don't be shy at all. Use these techniques and let me know if you have any queries. I'll be glad to help you and get going for the party. All the best.